नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आपके लिए क्या है 12th केमिस्ट्री का जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने से पहले हम लोग देख लेते हैं इससे संबंधित जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बिना आगे की IUPAC नेमिंग या जो भी IUPAC नामक्लेचर रिएक्शंस वगैरह सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इससे संबंधित हाइड्रोकार्बन या कार्बनिक यौगिक एक तरीके से कहें तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी 12th केमिस्ट्री का पेपर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक तरीके से होता है, उसमें हम लोग क्या मूलतः देखते हैं, मूलतः कार्बनिक यौगिक देखते हैं यानी कार्बन से बने हुए यौगिक का अध्ययन करेंगे। ओवरऑल आप कह सकते हो केमिस्ट्री ऑफ कार्बन, तो कार्बन के यौगिक का ही अध्ययन करेंगे। और यहाँ पर हम लोग उसका यौगिक का अध्ययन करने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। जनरली कार्बनिक यौगिक के बारे में तो जानते होंगे आप लोग, 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कार्बनिक यौगिक, उसके प्रकार है ना, खुली श्रृंखला के यौगिक, बंद श्रृंखला के यौगिक, फिर उसको हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक कार्बन, समचक्रीय, विषमचक्रीय, सारी चीज़ें। तो उसी के आधार पर एक छोटा सा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के बारे में जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर जैसे इसके बारे में आप अच्छे से जान जाओगे आपके रिएक्शंस, IUPAC नॉमनक्लेचर बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। चलिए देखते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले रहे हैं हम लोग। इंट्रोडक्शन करने के बाद फिर हम लोग अपने पहले चैप्टर पर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग हाइड्रोकार्बन में देखिए, आप यहाँ से नाम से ही क्लियर है हाइड्रोकार्बन में क्या है, हाइड्रो एंड कार्बन। हाइड्रोकार्बन दैट मीन्स हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, कार्बन का मतलब कार्बन, यानी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बनने वाले यौगिकों को, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले यौगिकों को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। अब ये हाइड्रोकार्बन क्या है, जैसे आपने बहुत से एग्जाम्पल देखे होंगे, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, जैसे मेथेन ले लेते हैं CH4 आप कहते हो, एथेन लेते हैं C2H6 कहते हो आप, हाँ। इसी तरीके से आप ढेर सारे एग्जाम्पल इसके ले सकते हैं, मेथेन, एथेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सारी चीज़ें जितने भी हैं जिसमें भी कार्बन हाइड्रोजन है वो क्या है, हाइड्रोकार्बन है। अभी हाइड्रोकार्बन मेनली दो तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, जैसे हमने पहले बताया कार्बनिक यौगिक के प्रकार आपने देखे। तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन एक तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन देखेंगे, जहाँ पे कार्बन कार्बन आपस में जो कि खुली श्रृंखला के यौगिक बनाएंगे, एक वो हाइड्रोकार्बन होगा। और दूसरा, जब कार्बन कार्बन आपस में बनके एक एरोमेटिक वलय का निर्माण करेंगे, उस तरीके का हाइड्रोकार्बन देखेंगे। भाई हाइड्रोकार्बन तो वो भी है ना, बस वहाँ पे क्या होगा, एरोमेटिक। एग्जाम्पल बेंजीन का अगर हम लोग ले लें, बेंजीन जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये अगर बेंजीन को हम लोग बनाते हैं कुछ इस तरीके से, तो ओवरऑल इसमें भी तो होता है ना, कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा तो कोई है नहीं इस रिंग में, दैट मीन्स ये भी एक तरीके का हाइड्रोकार्बन ही हुआ। इस तरीके से इसको हम लोग बना सकते हैं, ये हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब यहाँ पे भी तो कार्बन हाइड्रोजन है, तो यानी हाइड्रोकार्बन को हम लोग यहाँ पे आपके टॉपिक के हिसाब से हम लोग यहाँ पे दो रूप में देखेंगे। एक है देखेंगे यहाँ पे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक का क्या मतलब होने वाला है, खुली श्रृंखला वाले, जब कार्बन आपस में जो कि लंबी श्रृंखला बनाएंगे उस तरीके के यौगिक। और एरोमेटिक का मतलब हो जाएगा जब कार्बन कार्बन आपस में जो कि एक बंद श्रृंखला बना लेंगे या एरोमेटिक वलय बनाएंगे, तो उस तरीके के हाइड्रोकार्बन को हम लोग एरोमेटिक कहेंगे। यानी हम लोग इसको कितने रूप में पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन को, दो फॉर्म में। एक फॉर्म तो पढ़ेंगे एलिफैटिक का, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग एरोमेटिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये दोनों फॉर्म को हम लोग एक एक करके देखेंगे, और इसी के आधार पर हम लोग अपने पहले चैप्टर की कुछ इंट्रोडक्शन यानी जो उसका डेफिनेशन है उसको जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग हाइड्रोकार्बन है, पहले इसको हाइड्रोकार्बन में कुछ चीज़ों को जान लेते हैं एक एक करके, तब हम लोग चलते हैं अपने पहले ही चैप्टर की तरफ। तो इसको मैं रख लगाऊँ, अगर इसको अपलोड करना चाहें तो नोट कर लें। अगर हम लोग हाइड्रोकार्बन को देखते हैं तो हाइड्रोकार्बन डेफिनेशन तो आप लोगों ने जान लिया क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन को मिला के बनने वाले यौगिक को ही हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन मूलतः हम लोग एलिफैटिक के लिए तीन रूपों में पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहले एलिफैटिक के लिए पढ़ लेते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। इसको हम लोग तीन रूपों में पढ़ेंगे, कौन कौन से फॉर्म में, ये हो जाएंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। कितने फॉर्म में पढ़ेंगे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जो कि कक्षा 10 में भी आप लोग आराम से सभी लोग इसको जानते हैं। एक एल्केन है, एल्कीन है,
एल्काइन। अब एल्केन बात आती है, एल्केन की अगर हम लोग बात करेंगे तो जनरली क्या होंगे, तीनों फॉर्म एक तरीके से हाइड्रोकार्बन के ही हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हैं। एलिफैटिक का मतलब जब कार्बन कार्बन आपस में जुड़ करके खुली श्रृंखला के यौगिक बनाएंगे तो उसे हम लोग एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहेंगे, एलिफैटिक यौगिक कहेंगे। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्यों, क्योंकि वहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन रहते हैं इसलिए हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन है एलिफैटिक यौगिक है उसको तीन फॉर्म में पढ़ेंगे, एक एल्केन होगा, एल्कीन होगा, एल्काइन। एल्केन एल्कीन एल्काइन का मतलब क्या है, जब कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है सिंगल बॉन्ड होते हैं, जब कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है सिंगल बॉन्ड होता है तो उसे हम लोग कहते हैं एल्केन। ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है डबल बॉन्ड होते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा एल्कीन होगा, और ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा वो क्या होगा एल्काइन कहलाएगा। ठीक है, इसका हम लोग एकदम बेसिक उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसा इंट्रोडक्शन लेंगे ताकि हमारे चैप्टर को अगर आपने नहीं भी जाना है इलेवेंथ में, आपको याद नहीं है कैसे हमने किया था, तो इस तरीके से आपको जनरली कुछ चीज़ें पता चल जाएंगी जिससे हमारे पूरे चैप्टर में यानी पूरे के पूरे ऑर्गेनिक में आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, क्या था एल्केन सबसे पहले, जनरली आपने कक्षा 10 में भी पढ़ा होगा क्या होता है फार्मूला इसका एल्केन। अब हमने बता दिया था एल्केन कहते हैं एल्केन एल्काइन कहते हैं, लेकिन अब एल्केन कहते हैं अब इसका अणुसूत्र निकल के क्या आएगा, तो इनको निकालने का जो सूत्र होता है क्या होता है CnH2n+2, ये है इनका अणुसूत्र निकालने का सामान्य सूत्र। अगर बात करें एल्कीन की तो इनका निकालने का सूत्र क्या है CnH2n-2। ठीक है, ये उसके बाद एल्काइन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा CnH2n-2। ठीक है, ये इसका हम लोगों ने जनरली सामान्य सूत्र रखा है, यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन ऐसे एलिफैटिक यौगिक ऐसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध होता है, पूरी कार्बन श्रृंखला में कैसा बंध होगा सिंगल बंध होगी, उस तरीके के यौगिक को हाइड्रोकार्बन को हम लोग कहेंगे एल्केन। जब कार्बन कार्बन के बीच कहीं पर डबल बॉन्ड आ जाएगा तो उसको कहेंगे एल्कीन, और जब आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड तो उसको कहेंगे एल्काइन। अब यहाँ पे एल्केनों को निकालने का सिंपल सा उसका सूत्र क्या होता है CnH2n+2। और एक बात आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पता होगा कि कार्बन ग्रुप नेम होते हैं ना, मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्नॉन डेक्ट है ना, तो उसको भी मैं साइड में लिख दूंगा। अभी चलो उसके कुछ फार्मूला निकाल लेते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे एक कार्बन के लिए हम लोग अगर बात करेंगे, सपोज एक कार्बन का मतलब है जब वहाँ पे हम लोग का एन बराबर एक होगा, केवल एक कार्बन का मतलब फार्मूले में रखोगे एन की जगह पर एक, तो क्या आ जाएगा CnH2n+1 आएगा, प्लस में 2 आएगा, क्या आ जाएगा निकालने फार्मूला C1 है, कोई दिक्कत नहीं इसको हटा देते हैं, 2 1 2 और ये 2 2 4 हो जाएंगे। फार्मूला क्या निकल के आ गया CH4। ठीक है, अभी नाम हम लोग देखेंगे क्या लिखते हैं। ठीक है, अगर इसी तरीके से हम लोग एन बराबर 2 के लिए निकालें, एन बराबर 2 का मतलब अगर कार्बन की संख्या 2 है तब उस केस में क्या आ जाएगा C2H2n+2, तब क्या आ जाएगा बराबर में C2 हो जाएगा और ये C2H6, ये फार्मूला अणुसूत्र निकल के आ जाएगा। अब बात आती है हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन तो डिसाइड कर लिया क्या होगा, डेफिनेशन भी दे ली और उसको बता भी दिया, एल्केन एल्केन एल्काइन में उसको डिवाइड करके हम लोग इजीली उसके फॉर्म को जानेंगे। अब यहाँ पे एल्केन तो पता चल गया, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम लोग क्या कह रहे हैं एल्केन, इसका सामान्य सूत्र भी। अब बात आती है सूत्र तो हमने निकाल लिया, नाम क्या होगा है ना, तो नाम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन के लिए उनका नाम होता है, उनका कार्बन का मूल नाम में क्या जोड़ देते हैं एन जोड़ते हैं। ठीक है, इनमें कार्बन का मूल नाम लिखेंगे, प्लस में क्या लगाएंगे एन लगाएंगे, ये नाम होगा यहाँ पे कार्बन का जो भी रूट नेम होगा वो होगा, प्लस में लगाएंगे एन। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कार्बन की मैं एक श्रेणी बना देता हूँ, यहाँ पे कुछ साइड में लिखता हूँ, आप यहाँ पे लिख रहा होगा, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको, एक कार्बन है तो उसको कहते हैं हम लोग मेथ कहते हैं, 2 कार्बन है तो एथ कहते हैं, 3 कार्बन है तो प्रोप कहते हैं, 4 कार्बन है तो ब्यूट कहते हैं, 5 कार्बन है तो पेंट कहते हैं, 6 कार्बन है तो हेक्स कहते हैं, 7 कार्बन है तो हम लोग हेप्ट कहते हैं, 8 कार्बन है तो ऑप्ट कहते हैं, और 9 कार्बन है तो नॉन कहते हैं, और 10 कार्बन है तो हम लोग डेक्ट कहते हैं या डेक कहते हैं। ये एक तरीके से कार्बन का रूट नेम होता है, मूल जो उनका फंडामेंटल नेम है रूट नेम ये। अब इसी रूट नेम की सहायता से इनका नाम लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे क्या है CH4। अब यहाँ पे सबसे पहले कार्बन की गिनती देखो आप कितनी है, कार्बन कितने, जितने कार्बन होंगे उसका रूट नेम वही लिखेंगे, कार्बन कितने हैं यहाँ पे केवल एक कार्बन है, एक कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं मेथ,
यहाँ पे हमें इसका जो नाम लिखेंगे, नाम बराबर क्या लिखेंगे, मेट प्लस क्या जोड़ना है सिंगल बॉन्ड के लिए हमें क्या लगाना है, एन। तो यहाँ पे लगा देंगे एन, तो नाम क्या हो जाएगा, मेथेन। बहुत ही सिंपल था। अब इथेन का इसका भी देख लेते हैं, दो कार्बन C2 का मतलब कार्बन की संख्या दो, कार्बन संख्या दो, तो इसका रूट नेम क्या है, एथ है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा एथ, प्लस में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाना है, एन, नाम हो जाएगा मेथेन। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, एकदम आसान था। चलो हम लोग देख लेते हैं एल्केन के लिए। इसी तरीके से आप अगर निकालोगे तीन कार्बन के लिए निकालोगे आप, तो क्या आ जाएगा, प्रोप। प्रोप का मतलब इन लगाओगे तो प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉन इन, डेक्टेन, ऐसे करके ये एल्केन सभी आते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में एल्केनों को निकाल लिया। अब दो कार्बन है, आप अपने से तीन कार्बन चार कार्बन के लिए अपने से ट्राई करेंगे इसको। एल्केन के लिए देख लेते हैं, एल्केन के लिए क्या है, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड होगा तो वैसे हाइड्रोकार्बन क्या होंगे, एल्केन। अब यहाँ पे देखो क्या है, फार्मूला सामान्य सूत्र ये है। अब हमें इसका निकालना है अणुसूत्र, एन बराबर एक के लिए, यानी जब कार्बन की संख्या एक होगी तो एक में क्योंकि इसकी संरचना पूरी नहीं हो पाएगी, संकट नहीं हो पाएगा, इसलिए कार्बन की संरचना संकट ना होने की वजह से एक कार्बन के लिए यहाँ पे हम लोग इसको नहीं निकाल पाएंगे। निकालते हैं एन बराबर दो के लिए। दो का मतलब है कि यहाँ पे जब एन की जगह पे हम लोग दो रखेंगे तो क्या आ जाएगा फार्मूला, एन की जगह दो हमने रखा और यहाँ पे एन की जगह क्या रखेंगे, दो। फार्मूला निकल के क्या आ जाएगा, सी टू और एच फोर, सी टू एच फोर आ गया। बहुत ही सिंपल तरीके से सी टू एच फोर ये अणुसूत्र निकल के आ गया। इसी तरीके एन बराबर तीन के बारे में बात करना रहता, एन बराबर तीन का अगर देखोगे तो क्या आ जाएगा सूत्र, एन की जगह रखेंगे आप तीन, एच की जगह एच आ गया, टू इंटू थ्री क्या हो जाएगा फार्मूला, सी थ्री एच सिक्स जी। अब इनके अगर नाम की आप बात कर लोगे तो जब सिंगल बॉन्ड था तो एन लगा रहे थे, है ना, अब इल्कीन कीन ईन है तो मतलब क्या, जब डबल बॉन्ड हो गए तो क्या लगाओगे, वहाँ पे अनुलग्न के रूप में लगाओगे ईन। हम लोग IUPAC के बारे में बात करेंगे अगले लेक्चर में, जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो बात करेंगे उसके बारे में। तो ईन यहाँ पे लगाना है, तो नाम कार्बन के साथ में यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो कार्बन का मतलब क्या होता है, एथ, हम लोगों ने एथ लिख लिया, प्लस में क्या लगाना है, ईन, तो हो जाएगा क्या, एथ ईन, है ना, बहुत ही सिंपल था। अब आगे तीन कार्बन के लिए भी आप देख लो, तीन कार्बन का मतलब यहाँ पे तीन कार्बन का रूट नेम प्रोप है, है ना, तो तीन कार्बन के लिए रूट नेम क्या है, प्रोप। तो हम लोगों ने नाम के रूप में क्या लिख लिया यहाँ पे, प्रोप, और यहाँ पे लगाना क्या है, ईन, तो क्या हो जाएगा, प्रोपीन। बहुत काम की चीज़ है, आज पेशेंट बहुत मदद करेगा। ठीक है, अब ये तो हो गया इनका एल्केन के लिए। अब बात आती है एल्काइन, ये आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, विजिबल है, ठीक है, एल्काइन का देख लेते हैं। अगर एल्काइन का आप देखोगे क्या होगा, एल्काइन में क्या होता है, जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, जब कार्बन कार्बन के बीच कैसा होगा, त्रिबंध होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं एल्काइन या एलिफैटिक कार्बन का एल्काइन यौगिक, हम लोग कहेंगे उसको एल्काइन, एल्काइन श्रेणी का वो सदस्य होगा। तो यहाँ पे एल्काइनों के लिए सामान्य सूत्र क्या होगा, CnH2n-2। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे फार्मूला, अगर n बराबर 1 के लिए, जाहिर सी बात है नहीं निकलेगा, n बराबर 2 के लिए देख लेते हैं, एन बराबर वन के लिए निकलेगा क्यों नहीं, क्योंकि वहाँ पे कार्बन की जो संयोजकता है संतृप्त नहीं हो पाएगी, मतलब वो पूरी नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से वो यौगिक नहीं बनाया गया। अब निकाल लेते हैं एल्काइन का जो पहला सदस्य आएगा क्या होगा, एन बराबर दो, यानी अगर सी एन की जगह रखें टू और यहाँ पे एच है टू इंटू में टू माइनस टू, तो फार्मूला निकल के क्या आ जाएगा सूत्र इसका, सी टू है और दो दुना चार में से दो गए दो, यानी सी टू एच टू, ये आ गया किसके लिए, एल्काइन के लिए सूत्र। ठीक है, अगर एन बराबर इसी में तीन के लिए निकाल लो तब क्या आ जाएगा, सी थ्री, है ना, सी थ्री रखोगे और टू एच टू इंटू थ्री माइनस टू क्या आ जाएगा, फार्मूला क्या आ जाएगा यहाँ पे, सी थ्री है एच है छः और दोनों से चार, सी थ्री एच फोर, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम बताएंगे। अब यहाँ पे एल्काइन काइन, यानी यहाँ पे क्या हमें ऐड करना है, आयन, ठीक है, यहाँ पे हमें ऐड करना है क्या, आयन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मूल कार्बन का नाम सी टू, सी टू का मतलब दो कार्बन, दो कार्बन का मतलब दो के लिए क्या करते हो आप, एथ करते हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो आप, एथ, अब प्लस में क्या लगाना है, आइन, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, इथाइन। ओके, अब यहाँ पे तीन कार्बन में क्या लगाओगे, प्रोप लगाओगे, प्लस में लगाना है आइन, नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। ओके, ये तो इनके नाम की बात होगी, कैसे नाम करूंगा, आप लोग इसको आगे भी निकाल दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दो कार्बन के निकाल चुके हैं, तीसरा चौथा पांचवा जो भी आगे ताकि दस तक पूरा डेक्टेंट निकाल डालोगे। अगर एल्किन की बात करेंगे तो एल्किन में भी निकाल लीजिएगा। ओके,
आगे भी इसमें अभी मैं वक्त दे रहा हूँ इसको, आप लोग कोशिश करेंगे तो बहुत ही ईजी तरीके से हम लोग इसको करेंगे, सरल भी बताएंगे एकदम, बहुत ही मज़ा आएगा, साथ में जुड़े रहिएगा इसमें अच्छे से। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग बहुत ज़्यादा बना के रखते हैं कि अरे यार नहीं समझ में आएगा कितना कैसे क्या होगा, तो बहुत ईजी तरीके से इसको देखने वाले हम लोग आपको पूरा का पूरा मैकेनिज्म कैसे IUPAC नेमिंग, और IUPAC नेमिंग तो ट्रिक के साथ चलिएगा, इतना मज़ा आने वाला है इसमें कि आप लोग खुद से सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बड़े ईजी पैटर्न में करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में जान लिए, ठीक है, एल्केन एल्कीन एल्काइन के बारे में, इसके और जो सदस्य हैं उनके बारे में आप जान लोगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, एल्केन एल्केन एल्काइन हो गया, हाइड्रोकार्बन्स हो गए, इसके और सदस्यों पर निकाल लीजिएगा, यहाँ पे अगर निकालोगे आगे मीथेन एथीन प्रोपीन ब्यूटीन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन और ये सब आता चला जाएगा, यहाँ पे एथीन आ गया, प्रोपीन आ गया, ब्यूटीन पेंटीन हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टीन नॉनिन डेक्टीन आता हुआ चला जाएगा, यहाँ पे भी आ गया क्या पूरा एथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन पेंटाइन हेक्सेन ऐसे आता चला जाएगा, आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा कुछ समूह के बारे में जान लेते हैं, अब तो ये एल्केन जो भी हमने हाइड्रोकार्बन जान लिया, बहुत बड़े आसान तरीके से हो जाएगा, आ जाएगा, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब जैसे मेथेन का पूछा जाए, मेथेन का सूत्र क्या होगा, एथेन का सूत्र क्या होगा, है ना, तो जनरली आप बता सकते हो ये सारी चीज़ें ऐसे, ठीक है। इन सबको थोड़ा सा हम ओपन स्ट्रक्चर बना के थोड़ा सा आपको दिखाएंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसको, कृष्णा हमें कैसे बना रही है। सपोज हम लोग को किसका फार्मूला निकालना है, ब्यूटेन का, ओके। तो ब्यूटेन अगर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ब्यूटेन का मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, उसका सूत्र क्या आएगा, ब्यूटेन का मतलब क्या है, ब्यूट, ब्यूट आ रहा है ना, अब ब्यूट का मतलब कितने कार्बन होंगे यहाँ पे, कार्बन की संख्या 4 होगी, है ना। और अगर सूत्र के माध्यम से निकालोगे, यहाँ पे जो सूत्र होता है CnH2n+2, तो फार्मूला इसका निकल के आने वाला है, ब्यूटेन का सूत्र क्या आ जाएगा, C4 और यहाँ पे H8 आ जाएगा, यही आएगा, CnH2n+2 होता है, सॉरी यहाँ पे फार्मूला क्या होता है ये ना, CnH2n+2, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 × 2 = 8 और 2 × 10 हो जाएगा, C4H10, यही फार्मूला है, ओके। अब यहाँ पे ये फार्मूला निकल गया, अब इसका सपोज ब्यूटेन है, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन जो भी है उसका ओपन संरचना ये, और ये किस तरीके से लिखा जा सकता है। तो जैसे अगर C4H10 था, कितने कार्बन है यहाँ पे, 4 कार्बन है, ओके। अब ये 4 कार्बन को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इनको सिंगल सिंगल बॉन्ड में हम लोग लिखेंगे, लिख लिया। अब क्या करोगे, इसको संयोजकता पूरी कराओगे कार्बन के साथ, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 का मतलब कार्बन के चारों तरफ में 4 लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखो 1, 2, 3, है ना। अब इस कार्बन के पास में एक लाइन इधर भी मतलब 2 है, तो इसको 3, 4 यानी 2 और चाहिए थी, इसके पास भी 2 है, 2 और चाहिए, इसके पास केवल 1 है, 2, 3, 4 कार्बन की संयोजकता देखो सभी के पूरी है। अगर आप ऐसे कराओगे, देखो कार्बन के 4 पूरे हैं, यहाँ पे देखो कार्बन के 4 पूरे हैं, है ना, कार्बन के 4 पूरे हैं यहाँ पे भी, और यहाँ पे देखो कार्बन के 4 पूरे, मतलब कार्बन से रिक्त पूरी होगी। हाइड्रोजन कितने हैं, 10 है, लगा लेते हैं चारों तरफ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे सी के साथ में कितनी अच्छे हैं, 1, 2, 3, यानी CH3 बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड कर दिया, सी के साथ में 2 अच्छे हैं, CH2, ठीक है, जैसा सामने लिखा वैसे लिखे हैं, सी के साथ में 2 अच्छे हैं, CH2, फिर सी के साथ में 1, 2, 3 CH3, ये क्या है, ब्यूटेन था पहले इस फॉर्म में, था ओपन संरचना बनाएगी इस रूप में आ गया, ठीक है। उसको देखो और कैसे लिख सकते हैं, अभी ये थोड़ा इस तरीके से लिखा हुआ है ना, और भी अगर हम लोग चाहेंगे अभी आगे बात करेंगे, इसको कई और रूपों में भी आप लिख सकते हो, तो कोई भी जैसा ब्यूटेन होगा इस तरीके से, है ना, या पेंटेन होगा, सबकी ओपन संरचना हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। जनरली हमने एग्जाम्पल लिया था ब्यूटेन का, प्रोपेन मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, है ना, जिसका भी आप बनाना चाहो आराम से बना सकते हो सेम विधि का। ऐसे ही प्रोसेस का आप यूज़ करोगे, क्या करोगे यहाँ पे, कि जो जो भी सूत्र होगा ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन का, उसका सूत्र होगा, बोला जाएगा कि ये प्रोपेन हेक्सेन है ना, तो वहाँ पे जो उसका ओपन संरचना बनानी यही करोगे, कार्बन की संख्या देखोगे, सबको पहले सिंगल बॉन्ड में जोड़ोगे, ठीक है, उसके बाद उसके संयोजकता पूरे करा के हाइड्रोजन में जोड़ के उसको ऐसे इस फॉर्म में लिख दोगे, तो एक श्रृंखला के रूप में आराम से आ जाएगा। अब एल्केन में किसी भी एक का ले लेते हैं, चलो वहाँ पे भी ब्यूटीन का ले लो या पेंटीन का ले लो, आपकी जैसे इच्छा हो, तो यहाँ पे चलो वहाँ पे हम पेंटीन का ले लेते हैं, पेंटेन का सूत्र यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेंटपेंट का मतलब है कितने, 5 कार्बन होंगे यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे C5 और इसमें आ जाएगा 10, बना लेते हैं यहाँ पे। अब सबसे पहले वही हमने कहा ना, कार्बन को क्या करना है, सिंगल सिंगल बॉन्ड से जोड़ना है, तो कार्बन को सिंगल सिंगल बॉन्ड से आप जोड़ लो, 1, 2, 3, 4, 5, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4,
यहाँ पे देखो क्या है, ये पेंटीन इन का मतलब डबल बॉन्ड के लिए लगा रहे हैं, तो यहाँ पे कहीं पे भी आप डबल बॉन्ड इजीली शिफ्ट कर दो, बाद में इसको एडजस्ट कर देते हैं हम लोग। आई पी एस में बताएंगे तो कैसे लिख देते हैं हम लोग, वहाँ पे बात करेंगे। कार्बन स्ट्रक्चर चार होती है, एक है दो तीन चार, यहाँ पे भी दो है तीन चार, एक दो तीन है इसके पास, एक यहाँ पे है दो यहाँ पे है, तो इसको केवल एक चाहिए। यहाँ पे भी तीन है, केवल एक चाहिए, यहाँ पे एक है दो तीन चार चाहिए, जितनी जगह खाली है वहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन को भरेंगे। ओके, हाइड्रोजन को आप गिन भी सकते हो, देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस पूरे, यानी हमारा स्ट्रक्चर सही। कार्बन साथ में कितने हाइड्रोजन, तीन, लिख लो आप CH3। कार्बन के साथ में दो हाइड्रोजन, लिख लो आप CH2। कार्बन के साथ में एक एच, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड करके इधर आ जाएगा CH3। ठीक है, C के साथ में तीन था CH3। तो इस तरीके से देखो ये हमारा ओपन स्ट्रक्चर बन गया डबल बॉन्ड वाले के लिए। ठीक है, अब नाम में आएगा, आई पी एस नामिंग करेंगे वहाँ पे, तो उसका अलग प्रोसेस होगा नाम के थ्रू कहाँ पे डबल बॉन्ड लगाना है। फिलहाल स्ट्रक्चर बनाना है, ऐसे आप बना सकते हो समझने के लिए। अल्काइन में हम लोग भी बात कर लेते हैं, अल्काइन में क्या होगा, अल्काइन का मतलब कोई भी आप ले लो, ब्यूटाइन ही ले लेते हैं। चलो ब्यूटाइन का फार्मूला यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्यूटाइन, ब्यूट का मतलब चार कार्बन, और यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, CnH2-2, यानी 4 2 8 और 8 में से 2 जाएंगे तो H6। अब यहाँ पे चार कार्बन को चारों को सिंगल सिंगल बॉन्ड से जोड़ लो आप, अब कहीं पे भी ट्रिपल बॉन्ड होगा क्योंकि यहाँ पे ये है, तो चलो कहीं पे भी हम लोग लगा लेते हैं, बीच में ही लगा देते हैं। अब यहाँ पे कार्बन की संयोजकता पूरी करा दो, अब क्या होगा कार्बन संयोजकता चार, तो एक है दो तीन चार हो गया, तीन एक चार पूरा है इसका, तीन एक चार इसका भी पूरा है, इसके पास केवल एक है, तो एक दो तीन यहाँ चार करा दें, कितने हाइड्रोजन है 6, सभी को आपस में जोड़ दो। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 3 6 हो गया। स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हो, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड CH3, ये स्ट्रक्चर इसका बन सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, हम लोगों ने आज हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में, एल्केन एल्कीन एल्काइन सभी के बारे में जानकारी ली। अब इसके बाद हम लोग जनरली बात करेंगे इसके बारे में, समूह के बारे में, कि ये एल्केन से एल्किल समूह कैसे बनता है, एल्किल समूह क्या हुआ, क्योंकि जब हम लोग हेलोल्केन और हेलोरिन की परिभाषा देंगे तो वहाँ पर यही आएगा कि जब किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन निकल करके कोई हेलोजन जुड़ता है तो हेलोल्केन होता है। तो कहने का मतलब वहाँ पर हम लोगों को एल्किल समूह की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, तो एल्किल समूह और इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते रहेंगे, तो आप लोग उसको बहुत ही अच्छे से पूरे के पूरे यहाँ पे आप लोग निकाल लेंगे। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग क्या करिएगा, आगे एल्केन एल्कीन एल्काइन तीनों के सभी स्ट्रक्चर पूरे सूत्र निकालेंगे और उसके सभी सूत्र निकाल करके उसको अच्छे से एकदम क्लियर कर देंगे ताकि ये क्लियर रहे। अब इसके आगे जस्ट एल्किल समूह हमको पढ़ना है, अब उसके बाद एल्किल समूह के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।